भोलेनाथ जी बात आती है। नारद जी कहते कि अगर ये भगवान भोलेनाथ की आराधना करे तो पति के रूप में भगवान भोलेनाथ मिलेंगे। अब मुनि की बात मिथ्या ना जान कर पार्वती भगवान भोलेनाथ का घोर तपस्या करती है कई हजार वर्ष। तभी भगवान भोलेनाथ अपने सप्त ऋषियों को प्रेम परीक्षा लेने के लिए पहुंचाते हैं। क्या होता है भगवान प्रेम पर चले आओ तुम जिया क्या शीश धर चले ऋषि शिव कुम्हारी तप करे महापरिवार कि तुम किसकी आराधना कर रही हो कि वो अपनी देह को जला रही हो। कहा कि मैं भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रही हूँ। बड़ी मधुर बार बार सभी को बधाई। ये सुंदर साउंड हमारे सूरज भाई मधुरा वाले आप सुन रहे हैं, इनके लिए एक बार जोरदार जोरदार ताली बजाए क्योंकि इनके बगैर हर कार्य बिल्कुल सुन रहता है। एक बार भैया जोरदार ताली से स्वागत करें क्योंकि ठंडी का माहौल है। क्या कह रहे हैं कि हमारा क्या जाएगा, हम तो है बाहर वाले। क्या जाएगा, हम तो है बाहर वाले। तुम्हारे साथ में मिलके रोएंगे तेरे। अभी तू नई नवेली है बड़ा समझ जा, हजारों आएंगे दौलतमंद तेरी कदर वाले। तू कहा महलों की रानी बनने वाली और वो कहा बाबा जोगी, तेरा घर बसाना बड़ी मुश्किल की बात है। क्या कहा जंगल का राजा तेरा घर को बसाना गजब हो गया। Tu nari na mai ni tu nari
परम सम्मानी श्री मांगीलाल जी हरियाले बाजरिया आप जोर से करोड़ रुपए के आसी हाले हाले सरवार द्वार आगे क्या होता है। भगवान भोलेनाथ की कई प्रकार से बुराइयां करते हैं, परीक्षा ले रहे हैं, कहा वो बरसों आठ नहीं खुलते, ना ऊंचे कुल के है ना नीचे कुल के, ना माँ का पता ना बाप का पता, कुल के चक्करों में क्यों पड़ गई हो, क्या कहा कि ऊंचे कुल का ना वो नीचे कुल का अरमाने में गोझोली अब टांगता कैसे भैया ऊंचे कुल का वो नीचे कुल ये भोला